नमस्कार साथियों, आइए मीरा की चौपाल में। नमस्कार, मैं मीरा जाटो खबर लहरिया से। आज मैं महोबा जिला के चरखारी ब्लॉक में गांव है गौरहरी, वहां पर बैठी हूं, मीरा की चौपाल लगाई हुई हूं। महोबा जिला का गौरहरी गांव एक ऐसा गांव है जहां पर अगर खदानें ना चले तो वहां के लोगों के खाने पीने का जो जरिया है वो बंद हो जाता है। खदानें अगर बंद हो गई तो लोग गांव पूरा पलायन कर जाता है। गौरहरी गांव में 3 ऐसी खदानें हैं जिसमें लोगों का पेट चल रहा है। इस समय पिछले 2-3 साल से खदानें 2 बंद हो गई हैं, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमारे साथ बैठे हैं गांव के प्रधान और खनन कमेटी के उपाध्यक्ष, तो हम जानते हैं प्रधान जी से। देखिए, जो घटना हुई है वो तो आकाश में प्राकृतिक घटना है, उसमें हम खुद भुक्तभोगी, हम भी जेल गए। और रही शासन प्रशासन के मृतक परिवार पीड़ित परिवारों को, तो शासन प्रशासन ने मदद की, 2-2 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिए, 1-1 लाख रुपए और मिला है, और 1.5-2 लाख रुपए हम लोगों ने दिया है, जो जिनका सोसाइटी का पट्टा था या खनन था, देवेंद्र सिंह माधव प्रसाद ने दिया है। और जो किसान मृतक थे उनको 5-5 लाख रुपए किसान बीमा के तहत मिला है रुपया। तो आगे सुरक्षा के लिए कुछ बात चल रही है? हाँ, तो यही कि या सेफ्टी बेल्ट हो, हेलमेट हो, या जो खनन होता है उसका एक निश्चित मानक हो कि कितने टाइम ब्लास्टिंग होना, कितने टाइम नहीं होना, और मैदान में हो, ना कि कोई अंदर जाके ब्लास्टिंग हो तो कोई चट्टान के अंदर भी ब्लास्टिंग हो, एक मार्निंग प्लान के हिसाब से या जाल के हिसाब से ब्लास्टिंग हो, इंजीनियर के तहत इंजन रख के ब्लास्टिंग हो, जो मानस का इंजीनियर है। दिक्कतें तो बहुत हैं, जैसे मान लीजिए किसानी भी नहीं बन रही, 3 साल से पहाड़ बंद है। आपने कहा कि 3 साल से खदानें बंद हैं, तो हाँ। क्या कारण है खदानें बंद होने का? एप्लीकेशन लगाया था हमारे डीएम साहब ने, उनको निरस्त कर दिया उस एप्लीकेशन, उपखनिज में दिखा दिया था, पहले ये उपखनिज नहीं था। हमारे जो गौरा उद्योग है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से सम्मानित भी है, और इसकी हम जिला स्तर पर शासन में भी अभी गए हैं, लेकिन वे लोग कहते हैं कि नहीं आपका खुलेगा, अब जाने कब खुलेगा। लोग परेशान हैं, बाहर पलायन कर रहे रोजी रोटी के लिए ढूंढ रहे कि, और यहाँ हस्तकला के 350 आदमी हैं और कोई व्यापारी नहीं है, ये पुश्तैनी धंधा है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं, गाँव पूरा इसी काम में संलग्न था, आस पास के लोग भी इसी में संलग्न थे। जो पट्टाधारक है यहाँ के, उनने दोबारा अपने एप्लीकेशन डाली है, डाले हुए शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है। हम डीएम साहब से भी मिले, माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं खुद मिला, मैंने उसकी पहल की कि यहाँ का जो धंधा है हस्तशिल्प है पूरी तरह से चौपट हो रहा है, क्योंकि हमारे जो हस्तशिल्पियों ने मटेरियल नहीं मिल रहा है काम के लिए, तो जो हस्तकला का जो हमारा काम चल रहा था, सदियों पुराना काम है इस गौरहरी का, वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। यहाँ के जो कारीगर हैं, मजदूर हैं, जो इस धंधे से जुड़े थे, धंधा मिल रहा था गाँव में, वो आज बाहर जा रहे हैं। गौरहरी में जो सोसाइटी है इसमें सब अदाधुंधी काम चल रहा है, अन्याय काम चल रहा है। किस तरह का अन्याय वाला काम? अदाधुंधी से, गुंडागर्दी से दबंग लोग लगाते हैं, बंदूकों के बल पर खदान कब्जा कर लेते हैं, सोसाइटी के सदस्यों की, हरजन सोसाइटी के सदस्यों की, उनको मार मार के भगाते हैं, और पीटा भी गया, रिपोर्ट भी की गई शासन तक और प्रशासन तक, रिपोर्ट की गई, कोई सुनाई नहीं हुई। जिसका लाठी उसकी भैंस, पहाड़ में कब्जा करके बाहर की पार्टियां बुलवा के, जैसे सत्ता है जिस पार्टी, उसी पार्टी को बुलवा करके सदस्य को भगा देते हैं और खुद कब्जा कर लेते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो कहते हैं हमको मिले और किसी को सदस्य को ना मिले, कोई भगाया जाए, इनको हटाया जाए, और वो चल भी रहा और चलता भी रहा। किसके ऊपर केस चल रहा है? किसके ऊपर? जो खदान लगाए हुए थे उनके ऊपर केस चल रहा है। तो उसी के कारण खदाने बंद है? उसी के कारण वो खदान बंद है उसका, उनका जो है माधव प्रसाद वाला, वो जे पट्टा जो है खदान खनन जो है बस्ती के अंदर है, ये बस्ती में मकान चले गए हैं, इस वजह से ये बंद है। तो कभी आपने बस्ती से बाहर खदानों के लिए मांग की है? मांग तो कई बार की शासन से, कोई नहीं, ना यहाँ के सदस्यों ने सुनाई की, ना कोई शासन ने सुनाई की कि हमारा कोई हुआ है, दूसरी जगह प्लाट दिया जाए, जमीन दी जाए, हमारी कोई ज़मीन भी नहीं है, 1 रुपये 100 की हम जो है अपनी ज़मीन में कहीं मकान बना सकें, हमारे पास जमीन भी नहीं है, ना कोई मुआवजे दिया गया, इस वजह से बिना मुआवजे के आप लोगों की जमीनें ले ली गई। वहीं रहते हैं हम, वही रहते हैं गिरे गिराए मकानों में, किसी ने कोई नहीं ध्यान दिया। मेरा मकान चला गया है यही खदानों में, ये डायनामेंट घले है जो,
इनके इसे मेरा मकान चला गया है। इनने पहले जी कहा था कि हम तुझे जगह देंगे, तेरा मकान बनवाएंगे, कुछ नहीं किया साहब, किसी ने कोई ने नहीं करोगा कछु बताएंगे हाथ हैं। फिर अब वो घर गिर डरो है, सो हमने बनाओ ही नहीं है। वो ये खदान वाले 100 रुपया कम 50 रुपया बाजार के लाने देते रहे, वो हमें कहते किसी को शिकायत नहीं करना, वो ना किसी को बोलना। तो साहब मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, कहने लगे थे कि हमारा काम चलता रहे तो हम भी मकान बनवा देंगे तुझे। तो साहब ना किसी ने मकान बनवाया, जब से जिमांडल हो गया था तो पहाड़ भी बैठ गया था, तो कुछ नहीं भाव हमारा। तो मैं बताना चाहता हूँ कोरहारी में कोहरा खनन जो चलता है इसमें बहुत प्रभावित है। जब से खनन बंद हुआ है तब से लेके आज तक लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस गांव में ना कुछ विकास है और पैसे के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, किसी का खर्च नहीं चल रहा है। अब वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो घरों में जाके देखो तो उनके जहाँ 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये खर्च करते थे, आज उनके यहाँ पर 50 रुपये मुश्किल है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इस गाँव में खदान चले, और चलने के साथ एक कंडीशन है, हम अपना अपना विचार रखते हैं कि जितने भी सोसाइटी वाले हैं सभी से मेरा अनुरोध है कि इस गांव में खदान चले और जैसा पहले था हरा भरा अभी रहे। लेकिन जो भी खनिजकार हो उसमें सुरक्षा की दृष्टि से एक इंजीनियर लगाया जाए जो माइनिंग के कार्य में काम करता रहा हो और हर समय समय पे मतलब शासन को अवगत कराता रहे। तो इस प्रकार से जो भी घटनाएँ पहले से कभी नहीं होंगी, मान के चलो जाँच करके हो रहा, इंजीनियर चेक करके जाएगा फिर वहाँ पर काम होगा। दूसरी चीज़, जो भी मजदूर करेंगे काम उन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अब तुम खदान लगा रहे जैसे तो पहाड़वा चल रहे, तुम्हारे लाने चले हमारे लाने का रखो है, हमारे तो जो आदमी चलेगा सभी चलेगा, हमारे कहाँ से आ जाए बता। जो हमारे बार बार आदमी हमारे इतने से ले गए घर से, बोले थोड़ी देर को काम है, वो थोड़ी जैसे तुमने रात की ब्लास्टिंग करे फिर तुम दिन के ब्लास्टिंग करी, उन नहीं जाने हमारे आदमी का पता नहीं है तो कैसे कैसी खतरा की चीज़ है। जब जिन्हें करूँ नहीं है तो जान नहीं रहो तो कैसे खतरा की कैसी है। आप भी लेवा के गए जिसने खदान लाई थी वो भी लेवा के गए, उसने गए तो जाकर वो तो भीतर कह दो कि तुम्हें तो काम करो हैं, हम तुम्हें खाए पिया ना सब कछु खिलाने दें। आज देखो जी खाए पिए के धोखे में लेवा गए हमारे आदमी का, हमारे आदमी 5 लोग मार गए हैं। जी के लड़का बच्चा ठीक है, अब जी के लड़का बच्चा तो बे तो क्लब क्लब रो रहे ला बच्चा, बताओ हमारी कैसे शादी हो रही, कैसे हमारा जो हो रहा हो, कैसे हमारे लड़का बच्चा पालें को पाले हमारे लड़का बच्चे बताओ तुम कि कैसे पालन हम। और आप जानते हैं कि जहाँ उद्योग चलता है या फैक्ट्रियाँ कारखाने चलते हैं तो घटनाएं अवश्य होती हैं, इसे तो कुदरत भी नहीं रोक सकता, ये तो निश्चित है। इंजीनियर भी लगा दिया जाएगा तो भी निश्चित समय नहीं बता पाएगा कि किस समय घटना होती है। तो घटनाएं अचानक घट जाती हों, जो हमारे कार्यकर्ता हैं गोहरदी में जो कार्य करते हैं खदानों में, वे बहुत अनुभवी हैं, उन्हें इस बात का अनुभव होता है कि खदान टूट सकती है, लेकिन वो भी चूक जाते हैं। यहाँ कम से 80% जनसंख्या ऐसी है कि जो पहाड़ से टच है, वो अपना कार्य करती है, जीवन यापन करती है। आज देखे इस गांव में घूम करके तो शायद 70% लोग दिल्ली आगरा बनारस जहाँ भी रोजगार मिलेगा वहाँ जाते हैं, यहाँ से डेली 100 आदमी लाद जाता है काम करने। हमारी माताएं बहन अपनी लोग लाद छोड़ करके, क्योंकि अगर गाँव में उद्योग होता तो यही करते, चाहे 100 रुपये मजदूरी मिलती चाहे 50। तो हम तो यही कहते हैं कि यहाँ पर जो है 300 के करीबन जो हस्तकलाकार हैं, और हमारी इस हस्तकला से ऐसे ऐसे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त लोग यहाँ जो है अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी ये हमारे गांव की कला डूब रही है, क्योंकि उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा है तो वो अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं, गोहरेडी का नाम देश विदेशों में मशहूर है। पहली बात तो पहाड़ की जी है कि बुंदेलखंड में 70 साल से जब से देश स्वतंत्र हुआ है बुंदेलखंड में कोई ऐसा रोजगार नहीं दिया कि नेताओं ने, सिर्फ वोट लिया है। हमारी दो बार हम DM जिलाधिकारी साहब गोहरारी आए थे, दो बार हम पर्सनली मिल चुके हैं, क्योंकि जो जाल ब्लास्टिंग का जाल है वो एक तो अंदर ब्लास्टिंग होती नहीं है, अगर होगी तो जाल होगा, जाल का परमिशन कोई देने को तैयार नहीं है। 3 पहाड़ हैं, एक सोसाइटी धनीधर माधव प्रसाद विनोद त्रिवेदी है, एक पहाड़ चल रहा है, 2 बंद है जब से घटना हो गई है, और जाल के लिए कोई इंजीनियर ना कोई शासन प्रशासन कर रहा है, तो बिना ब्लास्टिंग के तो संभव नहीं है कि जो लोग अगर अपनी ज़मीन जायदाद भी बेच दें तो अपने रुपये निकालने तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि आज की महंगाई में आज 70% आदमी पलायन कर जात, मुंबई इंटर के लिए भाग जात, अपने बूढ़े माँ बाप छोड़ जात। सबसे खुशी की बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ग्राम गोहरारी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चयन किया है गोरा पत्थर की। लेकिन मजबूरी ये है कि जब यहाँ के दोनों पट्टा बंद हैं तो यहाँ के कारीगरों को ना तो पत्थर मिल सकता है और ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का सपना सरकार का पूरा हो सकता है। मैंने इस वजह से माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी
लेटर दिया, प्रार्थना पत्र दिया, उनको लिखा कि एक तरफ तो सरकार की मंशा है कि वन उद्योग हैंडीक्राफ्ट में जो है गौराजी का चयन कर दिया गया, और एक तरफ जो है हमारी जो है शासन स्तर पर दोनों पहाड़ बंद हैं, जिससे जो है पूरा यहाँ का जो हस्तशिल्पी है बेरोजगार है, मजदूर बेरोजगार है। यहाँ से प्रतिदिन जो है करीब सवा राठ के लिए लोग बाग जो है मजदूरी करने जा रहे हैं। जब गोहरारी की दोनों पहाड़ चलते थे तो किसी भी आदमी को बाहर काम करने नहीं जाना पड़ता था। दो चार गांव के और लोग बाग जो है यहाँ पर गांव में आने आकर के काम करते थे, अच्छी मजदूरी मिलती थी, समय पर उन्हें पेमेंट भी होता था। आज समस्या ये है कि यहाँ का 70-80% आदमी जो है कहीं ईंट भट्टा, कहीं दिल्ली, कहीं बम्बई काम करने के लिए मजबूर है। और समस्या तो सब पूरे गांव की है, 80% जनसंख्या की पहाड़ खोलना चाहिए, बगैर पहाड़ खोले यहाँ की समस्या दूर नहीं हो सकती, रोजगार दूर नहीं हो सकता। आदमी मारे मारे फिर रहे, कोई बम्बई आ रहा, कोई दिल्ली आ रहा है, कोई कहीं जा रहा। मान लीजिए पहाड़ फिर खुल गए, फिर इस तरह की घटनाएं हो गई, किसी की मौत हो गई, तब क्या करेंगे? लेकिन काम करवाएं तो उसमें कोई समस्या टेक्निकल काम हो तो इंतजाम करें अपना, वो उचित पैसा दें और अंदर काम ना कर जाओ, अंदर से माल उठा करके बाहर रख दें, वहाँ काम करेगा मजदूर, जब गहराई ज्यादा है या बीमा करवा ले जाओ उनका। जो भी काम करेंगे सबसे पहले उनका बीमा करवाएं, बीमा सबसे पहले उनका बीमा होना अनिवार्य है सबसे पहले। दूसरा जो वहाँ प्रावधान जो ये कटिंग उनकी ऐसा ही कटिंग कराई जाए जिससे कि खतरा बनाई ना, ब्रांच बनाई जाए ब्रांच कटवा के काम करवाएंगे जिससे कोई खतरा फैलेगी और हेलमेट वगैरह जो बीमा जो काम करवाए सोसाइटी वाले का हम करवाएंगे, सोसाइटी कराएगी बीमा, जो काम लगाएंगे नहीं है वही करवाएगी बीमा। भाई जब खदान चलेगी इन्हें परमिशन मिलेगा तो जैसे 50 लोग लगाते थे किसी का बीमा नहीं, नो क्लेम। अब जब गिने चुने मजदूर होंगे 10-15-20 जितनी जरूरत होगी सालों का बीमा, जो हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ सोसाइटी के सदस्य हैं जो पहाड़ चलाएगा वो लोगों का बीमा कराएगा, क्योंकि पहले इतना नियम नहीं था। पहले तो अधाधुंध के राज में गधा पंजीरी खा रहा था, मैडम ये बात है, बाकी कुछ नहीं है। जब परेशानी आई तो सारी सुरक्षाएँ तैयार होती हैं, जब देश लुटता है तब सेना जगती है, जब तक लुटता नहीं तब तक सेना जगती नहीं। बीमा उन लोगों का है जो खदान देखने नहीं जाते, पहाड़ पे नहीं जाते, उन लोगों का बीमा है। हम जैसों का बीमा नहीं है कि 24 घंटा 100 फट नीचे रहते हैं, मर भी जाएंगे तो कुछ मिलने को नहीं है, उठा के बाहर रखवा देते हो, दम कहते बाहर फेंक दो। मेरी एक भतीजी मरी थी तो कहते थे, बंगन आए थे बादशाह सिंह के भांजे, कहते लाश को बाहर फेंकवा दो, मैंने बेटा फेंकवा के देखो कितने हिम्मतदार हो। तो यहाँ अगर अपने में हिम्मत है तो कुछ मिलने वाला है, अगर हिम्मत नहीं, जैसे हमारी माँ बोल रही थी बुढ़िया कि उनका पति चला गया, लेकिन हकीकत बात अगर कहा है तो दो, नहीं तो मत कहो मत दो। अब हम अपनी चौपाल को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं क्योंकि हमारा समय भी खत्म हो रहा है। आप लोग आए, हम यहाँ पर बैठे और सवाल जवाब हुए, एक दूसरे को से बातचीत हुई, ये खुला मंच था, लोगों ने अपनी बात को खुल करके रखा और समझ भी पाए कि आखिर दिक्कतें है कहाँ पर। मतलब पहाड़ है तो है, लेकिन जो पेट रोटी है उस पहाड़ से जुड़ा हुआ है, और उस पहाड़ अगर वो पहाड़ बंद है तो उन लोगों के पेट रोटी नहीं चल रही है और गांव का गांव पलायन कर जा रहा है। उस पलायन में और पेट रोटी में कहीं भी वो जो दुर्घटनाएं हुई हैं वो दब गई हैं, उनको बहुत कम लोग याद कर पा रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं भी यहां हुई हैं, जो कि बहुत ही सोचने वाली बात है। हाँ, तो इसी के साथ मैं अपनी मीरा की चौपाल को यहाँ समाप्त कर रही हूँ। सबसे नमस्कार और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ समय दिया और हमारी भी सुनी और अपनी बात को भी रखा। तो देखते रहिए मीरा की चौपाल सिर्फ खबर लहरिया पर।